दोस्तों, आज बात करेंगे सरकारी नौकरी की। पहले के जमाने में ये एक सपना था, एक ऐसा सपना जो सच होता था। लोग बोलते थे, बेटा पढ़ाई करो, बड़ा ऑफिसर बनोगे। और सच में उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आज जितनी मुश्किल है उतनी पहले नहीं थी। क्या दिन थे वो भी, लोगों के पास कम ऑप्शंस थे। और सरकारी नौकरी का मतलब था इज्जत, सुकून और लाइफ सेट, पेंशन भी मिलती थी, मतलब बुढ़ापे की चिंता भी नहीं। आज तो सब बदल गया है। आज के जमाने में तो सरकारी नौकरी के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले इतना आसान क्यों था। उसके कई रीजंस हैं। पहले पॉपुलेशन कम थी तो जॉब्स के लिए लड़ने वाले भी कम थे। दूसरा, उतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं थी। आजकल तो हर चीज के लिए डिग्री चाहिए, पहले ऐसा नहीं था। सिंपल सी पढ़ाई करके भी लोग अच्छी जॉब्स ले लेते थे। तीसरा, उस टाइम प्राइवेट कंपनीज इतनी नहीं थी, ज्यादातर लोग सरकार के सहारे ही थे, इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड भी ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, सब कुछ बदल गया। आज का दौर अलग है और मुश्किलें भी अलग हैं। आज के जमाने में सरकारी नौकरी पाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। लाखों लोग एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं। कंपटीशन इतना बियाचा गया है कि बस पूछो मत। पढ़ाई का लेवल भी बहुत ऊपर चला गया है। आजकल तो ग्रेजुएट्स की लाइन लगी रहती है सरकारी नौकरी के लिए। पहले तो 10वीं 12वीं पास वाले भी अच्छी जॉब्स ले लेते थे। और ऊपर से ये इकोनॉमी का चक्कर, जॉब्स कम हैं और लोग ज्यादा, इसलिए सरकार भी उतनी जॉब्स नहीं निकाल रही है। नतीजा, बेरोजगारी बारात रही है और नौकरी की तलाश में लोग परेशान हैं। सेक्शन 4, कुछ बातें और कुछ सवाल। अब ये सवाल उठता है कि क्या करें, क्या सरकारी नौकरी का सपना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मेहनत करो, अपने आप को तैयार करो। आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स, इन सब का फायदा उठाओ। और हाँ, सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अपने टैलेंट को पहचानो और उसमें आगे बढ़ो। याद रखो, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सेक्शन 5, आगे कैसे बढ़ाएं? दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक थी सरकारी नौकरी के बदलते सिनेरियो की। आगे कैसे बढ़ना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, हिम्मत मत हारो। मुश्किलें आती जाती रहती हैं, लेकिन आपको अपना फोकस नहीं खोना है। अपने सपनों को पकड़ के रखो और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो। सक्सेस जरूर मिलेगी। और हाँ, अगर आपको कभी लगे कि आप हार रहे हैं तो एक बार अपने पेरेंट्स या किसी बड़े बुजुर्ग से बात कर लेना। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है और वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली बार मिलेंगे एक नई बात के साथ।